नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल विलेज कुकिंग अंकल में। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मछली जो कि बंगाली स्टाइल में आम डालकर, यानी खटाई हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं, तो खटाई डालकर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और पापा भी यानी गए हैं बाहर, तो पापा आएंगे तो वीडियो बनाएंगे, तब तक मैं ही बनाऊंगी। जब तक पापा नहीं आएंगे तब तक मैं ही वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और लाइक कीजिएगा, और आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए अब बिना देरी किए मछली बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम ले लिए एक बिग रेड मछली, जो कि काफ़ी टेस्टी मछली लगता है खाने में। और यहीं पे ले लिए हैं एक बड़ा साइज का बैंगन। बैंगन मिलाकर बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी मछली होता है बंगाली स्टाइल। और यहाँ पे दो प्याज ले लिए हैं, एक टमाटर ले लिए हैं, दो हरा आम ले लिए हैं। मछली में डालने के लिए दो आम ले लिए हैं, आम हम छील लेंगे और आम खट्टा वाला है। तो दोस्तों, आज हम बंगाली स्टाइल बिल्कुल न्यू तरीका से मछली बनाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और कितने लोग यानी आम डालकर जो मछली बनता है खाए हैं, आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और देखिए, आम का हम सभी छिलका छुड़ा लेंगे। एक टमाटर ले लिए हैं और टमाटर भी काट लेते हैं, और टमाटर भी हम पीस कर ही डालेंगे। तो टमाटर हम छोटा छोटा काट लेंगे, हम काट लिए छोटा छोटा, और आम भी पीसेंगे। और एक प्याज ले लिए, प्याज भी काट कर पीस लेंगे, यानी आज हम मछली ग्रेवी वाला बनाएंगे। प्याज भी हम पूरा में ही वही काट लेते हैं, प्याज को पीसना है। आम कुछ कर अब पीस लेंगे। और यहाँ पे हम दो हरा मिर्च ले लिए, तीखा अनुसार हरा मिर्ची डालेंगे। प्याज, टमाटर और आम हम तीनों अच्छे से मैं ही पूरा पीस लिए हैं। मछली अब हम काट लेते हैं। और बिग ग्रेड मछली में कहे तो काफ़ी ज़्यादा यानी चोइयाँ होता है, बहुत ज़्यादा चोइयाँ होता है, लेकिन पूरा मैं ही होता है। तो चोइयाँ को हम अच्छे से छुरा लेंगे। मछली में जो साइड साइड में पंख होता है, पंख काट लेंगे और तब हम आराम से अच्छे से यानी चोइयाँ छुरा लेंगे। आधा चोइयाँ हम छुरा लिए हैं, काट लेते हैं। थोड़ा थोड़ा चोइयाँ बचे हुए तो बाद में हम छुरा लेंगे, यानी पाका पर अगर लेंगे। और छोटा छोटा मछली का हम पीछे बना लेंगे। इसी तरह सारे पीच हम बना लेंगे, मछली के काट लेंगे। मछली अब अच्छे से धो लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पका पे हम रूखर पे रगड़ लेंगे, ताकि जो भी चोइयों ये छूटा होगा अच्छे से साफ हो जाएगा मछली का। मछली में थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर लगा लेंगे और थोड़ा सा नमक, तब हम मछली फ्राई करेंगे। सब नमक भी डाल दिए। कढ़ाई में हम डाल देते हैं सरसों का तेल मछली फ्राई करने के लिए, और तेल डालकर तेल को अच्छे से अब गर्म करेंगे। तेल गरम हो रहा है तब तक हल्दी और नमक को अच्छे से मछली में मिक्स कर लेते हैं। तेल में डाल देते हैं एक एक करके मछली, और मछली हम भून लेंगे। सभी मछली हम डाल दिया, अब अच्छे से मछली हम भून लेंगे। बैंगन डालेंगे, तो एक बैंगन ले लिया, बैंगन भी अब हम काट लेते हैं। बैंगन डालने से काफ़ी अच्छा मछली में कहे तो टेस्ट आता है। एक बैंगन में हम तीन फरा फाड़ लेंगे। देखिए, बैंगन हम काट लिए। 5 मिनट तक पानी में रहने देंगे, ताकि बैंगन में का जो कासा होता है निकल जाएगा। तब हम निकाल कर छान लेंगे, यानी बैंगन धो लेंगे अच्छे से। देखिए, मछली अब हम पलट लेते हैं, और मछली एक तरफ अच्छे से भून लिए, दूसरे तरफ भी भून लेंगे। और देखिए मछली कितना मस्त लाल हो गया है, अच्छे से लाल करेंगे दोनों साइड। तब साइड फ्राई कर लिया, और मछली अब हम निकाल लेते हैं। और देखिए मछली में कितना मस्त कलर हुआ है, और मछली लाल हो गया है अच्छे से। देखिए सभी मछली हम निकाल लिए। बैंगन डाले थे पानी में, और बैंगन धोकर हम तेल में डाल देते हैं। तेल देखिए अच्छे से गर्म हो गया है, और बैंगन भी फ्राई कर लेंगे। सभी बैंगन हम डाल दिए, और बैंगन को अच्छे से अब चला करके भूनेंगे। अगर आप लोग भी कभी मछली बनाइएगा तो बैंगन डालकर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में मछली। एक बार आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। और देखिए बैंगन को हम दोनों तरफ अच्छे से अलट पलट कर भून लेंगे, और बैंगन अच्छे से लाल हो चुका है। बैंगन भी अब हम निकाल लेते हैं, और चलिए अब बनाएंगे हम मछली। निकाल लिए मछली। बनाने के लिए हम कढ़ाई में डाल दिए तेल, और प्याज हम पीस कर डालेंगे, यानी ग्रेवी बनाने के लिए आज बंगाली स्टाइल बना रहे हैं।
फोरन में डाल देंगे, थोड़ा सा काला वाला सरसों, बैंगन डाले हैं और मछली में सरसों डालने से काफ़ी टेस्टी होता है। तो देखिए सरसों डाल दिए और सरसों को अब अच्छे से हम चटका लेंगे। और देखिए यहाँ पे पीस लिए प्याज, प्याज डाल देते हैं पिसा हुआ, प्याज डाल दिया और प्याज को अब अच्छे से भूनेंगे। फिर हम डाल देते हैं जो आम पीस कर रखे हैं, आम मिर्च और लहसुन अच्छे से प्याज में ही मिला लेंगे। थोड़ा सा हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर ताकि कलर के लिए, हल्दी हम नहीं पीसे थे तो देखिए हल्दी डाल दिया। अब अच्छे से मसाला में मिला लेंगे हल्दी प्याज में। थोड़ा सा हम डाल लेंगे लाल मिर्च पाउडर तीखा के लिए, आप चाहे तो हरा मिर्च भी पीसा हुआ डाल सकते हैं, हम हरा मिर्च डाले हैं और थोड़ा सा बिल्कुल डालें लाल मिर्च। अब अच्छे से मिला लेते हैं और काफ़ी अच्छा से तेल छोड़ने लगा, यानी अच्छे से भुना गया प्याज हम जो डाले थे। और इसी में जो हम टमाटर पीस कर रखे हैं टमाटर डाल देते हैं, टमाटर भी अच्छे से अब हम मिला लेंगे। और टमाटर डाल देने से पीस कर या काट कर मसाला में कहे तो कलर काफ़ी मस्त आ जाता है, और देखिए कितना मस्त कलर आ गया। अब अच्छे से फिर 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे, तब इसमें हम पानी डालेंगे। ये अच्छे से हम भून लिया और काफ़ी तेल छोड़ने लगा, यानी अच्छे से भुना गया प्याज मसाला जो भी डाले थे। और इसमें अब हम डाल देते हैं ग्रेवी बनाने के लिए पानी, पानी डाल दिए, पानी को अब अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा और डाल देंगे और आम डाले हैं तो इससे मछली का स्वाद काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, खट्टा खट्टा। और देखिए अच्छे से मिला लिए, अब थोड़ा सा उबाल आएगा तब इसमें हम मछली और बैंगन डालेंगे। देखिए मसाला में अच्छे से उबाल आ गया, मसाला में बैंगन और मछली दोनों हम डाल देते हैं। अब बैंगन सभी डाल दिया और इसी में मछली अब डाल लेते हैं और अच्छे से अब पका लेंगे। हम मिला लेते हैं, निराशा में अच्छे से डुबा लेंगे और डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, नमक हम नहीं डाले थे और नमक डाल देंगे अंदाज से, बैंगन भी है और मछली भी। और देखिए नमक हम डाल लिए, अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि मछली और बैंगन में अच्छे से नमक दोनों में अच्छे से मिल जाएगा। और टमाटर डालने से देखिए काफ़ी अच्छा कहे तो मछली में मस्त कलर आया हुआ है। अब ढक देते हैं, मछली में अच्छा सा उबाला गया है, मछली अब हम चला लेते हैं। और देखिए ग्रेवी कितना मस्त गाढ़ा बनकर तैयार हो गया। अब हम मछली उतार लेते हैं, देखिए मछली हम उतार लिए। आज हम बनाए बंगाली स्टाइल यानी आम वाला मछली। तो देखिए दोस्तों, यानी बी ग्रेड मछली और बैंगन मिलाकर जो कि आम की खटाई डालकर बना था वो बनकर तैयार हो गया फिलहाल आप लोग आज ये खाने के लिए। और फिलहाल रेडी है मछली और चावल, एकदम बंगाली स्टाइल में बना है दोस्तों। आइए और चौक कर देखते हैं कैसा लग रहा है। ग्रेवी तो मस्त लग रहा है, देखिए मछली भी खटा खटा लग रहा है, काफ़ी मस्त लग रहा है दोस्तों। तो मछली बहुत मस्त बना हुआ है, यानी कहे तो मछली रेसिपी जो कि एकदम एवन क्वालिटी का बना है, आम डालना से और अच्छा हुआ है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अभी तक दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें मेरे दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।